and I. तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सुपरस्टार सनी देओल की मूवी गदर 2 के 23वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इसका कंपैरिजन करेंगे पठान मूवी के शुरुआती 23 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ और जानेंगे कि अपने शुरुआती 23 दिनों में किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और कौन सी फिल्म बनी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म। तो दोस्तों अगर आप भी सुपरस्टार सनी देओल या फिर शाहरुख खान के एक वन साइड फैन है तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर सबसे पहले बात कर जाए पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बताते चले कि पठान मूवी को करीब 8.5 हज़ार स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इस मूवी को करीब 250 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। और दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में जैसे कि शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम भी एक पावरफुल विलेन के तौर पर देखने को मिले थे तो वहीं इसमें सलमान खान का भी एक दमदार कैमियो था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्लस पॉइंटों के चलते इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तूफानी कमाई की और इस मूवी ने रिलीज होते ही पहले दिन 57 करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया तो वहीं इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ की ओपनिंग ली। और इस तरह पठान मूवी ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी से नेट कलेक्शन कर लिया था 351 करोड़ रुपए तो वहीं इस मूवी ने तीनों भाषाओं को मिलाकर 364 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन कर लिया था। और इस मूवी ने अपने दूसरे हफ्ते में हिंदी वर्जन से कमाए 91 करोड़ 50 लाख रुपए तो वहीं इस मूवी ने हिंदी तमिल तेलुगु को मिलाकर 94 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया था। और इस तरह पठान मूवी ने अपने शुरुआती 22 दिनों तक हिंदी से नेट कलेक्शन कर लिया था 484 करोड़ 85 लाख रुपए तो वहीं इस मूवी ने ऑल ओवर इंडिया से यानी हिंदी तमिल तेलुगु को मिलाकर 502 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन कर लिया था। और दोस्तों इस मूवी ने अपने 23वें दिन हिंदी वर्जन से कमाए 3 करोड़ 30 लाख रुपए तो वहीं इस मूवी ने ऑल ओवर इंडिया से 3 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस मूवी का टोटल हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका था अपने शुरुआती 23 दिनों का 488 करोड़ 15 लाख रुपए तो वहीं इस मूवी ने ऑल ओवर इंडिया से 505 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन कर लिया था। और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया और दोस्तों इस मूवी ने अपने शुरुआती 23 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 975 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। और दोस्तों पठान मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों अगर अब बात कर जाए बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी तूफानी कमाई की और दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अभी भी डट के चल रही है। तो दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में जो कलेक्शन किया था वो किया था 284 करोड़ 63 लाख रुपए और दोस्तों इस मूवी ने अपने दूसरे हफ्ते में कमाए थे 134 करोड़ 47 लाख रुपए और इस मूवी ने अपने तीसरे हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन किया 63 करोड़ 35 लाख रुपए और दोस्तों इस तरह यह मूवी अपने शुरुआती 3 हफ्तों तक 482 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी और इस मूवी ने अपने 22वें दिन कमाए 5 करोड़ 20 लाख रुपए तो वहीं यह मूवी अपने 23वें दिन 6 करोड़ 20 लाख रुपए का हिंदी से नेट कलेक्शन कर रही है। तो इसी के साथ गदर 2 मूवी का टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है 493 करोड़ 85 लाख रुपए तो वहीं इस मूवी ने ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 585 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इस मूवी ने ओवरसीज से 63 करोड़ का कलेक्शन किया। तो गदर 2 का इसी के साथ जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है वो हो चुका है 648 करोड़ रुपए और गदर 2 मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। तो दोस्तों अगर कंपैरिजन कर लिया जाए कि किस मूवी ने अपने शुरुआती 23 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई की तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तो पठान मूवी रहती है नंबर 1 पर अगर सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों गदर 2 ने हिंदी नेट कलेक्शन अपने शुरुआती 23 दिनों में 493 करोड़ 85 लाख का कर लिया है तो वहीं पठान मूवी ने हिंदी नेट कलेक्शन किया था 488 करोड़ 15 लाख रुपए। और दोस्तों हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में गदर 2 विनर साबित हो चुके हैं और दोस्तों गदर 2 ने अपने 23वें दिन 6 करोड़ 20 लाख का हिंदी से नेट कलेक्शन कर रही है और पठान ने अपने 23वें दिन कमाए थे 3 करोड़ 30 लाख रुपए। दोस्तों गदर 2 पठान मूवी से अपने 23वें दिन की बाजी भी मार चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गदर 2 पठान के लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन को बीट करके इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी या नहीं और आपको गदर 2 और पठान में से कौन सी मूवी सबसे बेस्ट लगी आपका ओपिनियन हमें कमेंट में बताना न भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।